वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है और इसे आप दही बल्ले जहर चाट के साथ बहुत मजे से एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने इसे बहुत इजी तरीके से बताया है, स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम इमली ली है और इसे 2 घंटे पहले अच्छे से धोकर भिगो कर रखा है। हमारी इमली में थोड़े से बीज है, मैं अच्छे से उसे ऐसे हाथों से ये करते हुए उसका पल्प निकाल लूँगी और एक बार उसे ग्राइंड कर लूँगी। देखिए थोड़ा अच्छे से हाथ को मैंने धो लिया था और अच्छे से उसे मसलते हुए उसका पेस्ट मैं निकाल रही हूँ। देखिए मैंने 1 इंच सौंठ का टुकड़ा इसमें डाल लिया है जो हमारी इमली के पल्प के साथ वो भी ग्राइंड हो जाएगा, और 1 चम्मच सौंफ डाली है वो भी उसके साथ अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। मेरे पास इसका पाउडर नहीं था तो मैं साबुत इसमें डाल रही हूँ और इसमें इमली का पेस्ट डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है, अब इसे अच्छे से छान लूँगी। एक छन्नी में मैं डालकर इसे अच्छे से छान लूंगी। ऐसे ही सारा पेस्ट हमें ग्राइंड कर छान लेना है अच्छे से। मैंने सारा ऐसे छान लिया है, देखिए इसके रेशे सारे निकल चुके हैं और हमारा पल्प रेडी हो गया है। अगर नहीं छानेंगे तो ऐसे रेशे हमारी चटनी में आ जाएंगे, हमें छानना जरूरी है। बस ये रेडी हो गया है। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है और थोड़ा सा जीरा डालूंगी। देखिए जीरा अच्छे से हमारा हो जाए तब थोड़ी सी हींग डालूंगी, 2 पिंच हींग डाली है मैंने। देखिए हो चुका है, अब मैं इसमें इमली का पल्प डाल दूंगी, ये अच्छे से पका लेंगे हम। देखिए थोड़ा अच्छे से हो चुका है, अभी इसमें बॉईल आ जाए तब मैं इसमें घूट डालूंगी। जितनी हमने इमली ली है उतना ही हमें घूट डालना है। मैंने 200 ग्राम जितनी इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था और 200 ग्राम जितना मैंने घूट लिया है। देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है, अब मैं गुड़ को डालूंगी। थोड़ा सा मैंने गुड़ को क्रश कर लिया है, बहुत बारीक नहीं, स्मॉल पीसेस में मैंने उसे कर लिया है। वो बड़े बड़े टुकड़े थे तो मैंने उसे छोटा कर लिया और अच्छे से चलाती रहूंगी। ये गुड़ डाला है तो नीचे चिपक जाएगा तो हमें चलाते रहना है। देखिए हमारी जो खट्टी मीठी चटनी है उसमें बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, नमक हमें कम डालना है क्योंकि उसका खारापन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हम काला नमक भी डालते हैं तो बहुत खारा हो जाएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और काला नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून जितना, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने काला नमक डाला है। और थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला डाला है मैंने, और जीरा पाउडर और 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को डालकर अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। जब तक ये अच्छे से पककर इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है अच्छे से। आप चाहे तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, और मैं थोड़ा सा रेड कलर इसमें डाल रही हूँ। देखिए इतना थोड़ा सा मैं रेड कलर इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, ऐसे चम्मच को चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। रेड फूड कलर डालने से इसका चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाहर मार्केट में जैसी मिलती है वैसे ही चटनी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। ये और हम इसे पकने देंगे और अच्छे से ये पक जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसे पकाएंगे। अभी ये बहुत लिक्विड है और थोड़ा ही पकना है। देखिए ये पक रही है, अब मैं इसमें 2 टीस्पून जितनी शक्कर डालूंगी। देखिए 2 टीस्पून मैंने
शक्कर को डाल लिया है। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें कुछ लोग कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं, मगर वो कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत दिन तक हमारी चटनी रखने से ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर को नहीं डाला है। ये चटनी आप बनाकर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखेंगे तो बहुत लंबा तक समय तक ये बहुत अच्छी रहेगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मुझे 10 मिनट लगा है, इसे बॉईल करने के लिए 10 मिनट लगा है, पीसने का टाइम निकाल कर मैं बोल रही हूँ। बस इतना हमें पका लेना है। देखिए ये अच्छे से पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, हमारी चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। बस हमें अब फ्लेम को ऑफ कर लेना है। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिए। हमारी चटनी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी करेक्ट है, बहुत गाढ़ी नहीं और बहुत पतली भी नहीं है, करेक्ट कंसिस्टेंसी है। ऐसी हमें चटनी बनाकर रेडी करनी है। बस ये अच्छे से पक चुकी है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी।